कोरोना वायरस, ये वर्ड जैसे ही हम सुनते हैं हमारे माइंड में एक नेगेटिव इमेज आती है जिसमें लोग परेशान हैं, लोग बीमार हैं, लोग मर रहे हैं। अगर ये आपके माइंड में इमेज नहीं आती तो आनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस 80,000 लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है और 2,500 लाइव्स ऑलरेडी क्लेम कर चुका है। चाइना, जिसको हम दुनिया का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बोलते हैं, इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ अ लॉकडाउन। क्योंकि ये एक लॉकडाउन की स्टेट में है तो पूरे दुनिया भर के सप्लाई चेन में एक बहुत मैसिव इम्पैक्ट देखा गया है, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे कि आखिर एयरलाइंस इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा है कि एयरलाइंस इंडस्ट्री पे $30 बिलियन का नुकसान होने वाला है इस कोरोना वायरस की वजह से। दोस्तों, IATA एक कैनेडा के मॉन्ट्रियल हेडक्वार्टर्ड एक एजेंसी है जो कि ग्लोबली जितनी भी एविएशन कंपनीज हैं, एयरलाइंस कंपनी हैं, उनकी एक एसोसिएशन है। इस एसोसिएशन का ये कहना है कि एयरलाइंस इंडस्ट्री ऐसी होती है जो दुनिया भर के रिसेशंस को डील करने में केपेबल होती है, क्योंकि कोई कितना भी कहीं रिसेशन आए, लोग ट्रैवल करना नहीं छोड़ते। साथ ही साथ ये देखा गया कि पिछले 20 साल में कई एपिडेमिक्स आए, एयरलाइंस इंडस्ट्री सबको बियर कर गई, सिर्फ और सिर्फ एक 2002 का एपिडेमिक था उसको छोड़ के। 2002 का एपिडेमिक सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो चाइना से ही शुरू हुआ था, उस वाले सिंड्रोम को एयरलाइंस इंडस्ट्री भी बियर नहीं कर पाई थी और एक मैसिव फॉल देखा गया था एयरलाइंस के रेवेन्यूज में। और मेरे को आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये उसी SARS का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है, और तब वो कितना था और आज वो कितने मॉडिफाइड और लार्ज लेवल पे आया है और हमको इम्पैक्ट कर रहा है। गाइज, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो साउथ कोरिया ने अपना हाईएस्ट अलर्ट निकाल दिया है, रेटिंग 4 का, मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है उस कंट्री में। इटली की कई सिटीज़ आर इन अ स्टेट ऑफ अ लॉकडाउन राइट नाउ। US ने तो बहुत पहले से ही एक ट्रैवल बैन निकाल दिया था उन लोगों के लिए हुआ नॉन सिटीजन्स एंड नॉन होल्डिंग ग्रीन कार्ड एंड दे आर कमिंग फ्रॉम चाइना, उन लोगों के लिए ट्रैवल बैन ही कर दिया था। ये तो सिर्फ 3 कंट्रीज़ का मैं बता रहा हूँ, टोटल 28 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे कन्फर्म्ड केसेस मिले हैं। जैसे इटली में बताऊँ तो 128 कन्फर्म्ड केसेस मिले कोरोना वायरस के। अब अलग अलग थ्योरीज आती हैं, एक थ्योरी ये कहती है कि ये किसी कंट्री की कॉन्स्पिरेसी थी, कोई एक अगला वर्ल्ड वॉर बनाने के लिए ये कॉन्स्पिरेसी थी, कोई कहता है कि ये चाइना ही एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर बना रहा था एक वेपन को और वो उससे गलती से लीक हो गया, कोई कह रहे हैं कि ये एक्चुअल एक नेचुरल किसी एनिमल के थ्रू आया है, बैट से, स्नेक से। अलग अलग कॉन्स्पिरेसीज, अलग अलग थ्योरीज हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन अगर एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि जब 2002 में फॉल आया था SARS की वजह से, तब चाइनीज़ इकोनॉमी का क्या शेयर था ग्लोबल इकोनॉमी में। हार्डली 5%, 10%। ट्रैवल एंड टूरिज्म की बात करूँ तो हार्डली 5%, और तब ट्रैवल टूरिज्म में जब चाइना में 5% शेयर था, तब एयरलाइंस इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ड्रॉप हुआ था, और अब तो इस टाइम चाइना में 18% का फॉल है। सो IATA का ये कहना है कि $30 बिलियन रेवेन्यूज़ का नुकसान होगा, टू बी मोर प्रिसाइज $29.7 बिलियन, और अगर परसेंटेजेस में बात करें तो इस साल 2020 में 4.7% से गिरावट आने के लिए IATA का एक प्रीलिमिनरी इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट ये कहता है। दोस्तों, रिसेशन आने की कंडीशंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं है हमारी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। चाइना जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग हब, बाकी कंट्रीज़ या एक्सपर्ट्स कुछ कहते हैं कि अगर वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब फॉल हो रहा है तो बाकी इमर्जिंग कंट्रीज़ इसको एडवांटेज लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करें। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखें तो जिस लेवल पे उसकी इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं, अगर उस लेवल पे हम आज भी स्टार्ट कर दें तो इट विल टेक टाइम फॉर एन इमर्जिंग कंट्री टू रीच अप टू द लेवल ऑफ चाइना। सो अब बारी आती है कि आखिर IATA का कहना क्या है कि जो $30 बिलियन का फॉल आने वाला है, सो इसमें IATA क्या कहता है। IATA ये कहता है कि हम इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं जो कि WHO ने दिए हैं, और हमारी एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल सेफ हैं, सारी की सारी एयरलाइंस सारे के सारे नॉर्म्स को फॉलो कर रही हैं। सो IATA का ये कहना है कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग पंपिंग करे एयरलाइंस के अंदर, उनको और सपोर्ट करे ताकि ट्रैवल इंडस्ट्री और बढ़ सके। फिर उसका ये कहना है कि हम ज़्यादा अवेयरनेस और फैलाएँ कि ट्रैवलिंग सेफ है अभी भी आज के टाइम में भी, और हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, आप अपना पर्सनल हेल्थ हाइजीन को मेंटेन करें, लेकिन आप ट्रैवल टूरिज्म और एयरलाइंस में आप आना जाना मत छोड़ें।
पर दोस्तों अगर आप देखें, एक नेचुरल कंसर्न जो फैलता जा रहा है, एयर इंडिया और बाकी इंडिगो एयरलाइंस और अलग एयरलाइंस, इन्होंने फरवरी एंड तक एक बैन दिया था कि हम चाइना में एक भी फ्लाइट लेके नहीं जाएंगे। तो एयर इंडिया ने तो अभी 3 मंथ्स और वो एक्सटेंड कर दिया और अप टिल 30 जून तक कह दिया है इंडिया से कोई भी एयर इंडिया की फ्लाइट चाइना नहीं जाएगी। अभी तक इंडिगो और स्पाइस जेट का आया नहीं है, बट इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड कि ये आ जाएगा। और ट्रैवल अलर्ट्स की बात करें तो चाइना का तो निकला ही था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने सिंगापुर का भी एक ट्रैवल बैन और निकाल दिया है। इट्स अ हाई लेवल ट्रैवल अलर्ट कि अगर आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी ना हो, बहुत बहुत ही कोई रेयर केस हो, सिर्फ तभी आप चाइना और सिंगापुर जाएं, अदरवाइज आप चाइना और सिंगापुर ना जाएं। साथ ही साथ बात हो रही है कि जो हमारी डेली फ्लाइट्स ट्रैवल करती हैं टू हांगकॉन्ग, लाइक बेंगलुरु टू हांगकॉन्ग फ्लाइट, डेली टू हांगकॉन्ग फ्लाइट, उसको भी टेम्परली बैन करने की बात कही जा रही है क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। सो आप ये अगर देखें कि एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ अगर अपने ऑपरेशंस ही बंद कर देंगी, फिर साथ के साथ अगर एयरपोर्ट पे थर्मल स्क्रीनिंग इतनी बढ़ जाएगी कि पैसेंजर्स को इतनी इनकन्वीनियंस हो रही है, और जिस दिन से WHO ने इसको एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया, उस दिन से सारे के सारे कंट्री, सारे के सारे लोग इतने पैनिक मोड में आ गए हैं। सो ट्रैवल इंडस्ट्री का लॉस होना तो बहुत जायज़ बात है, और एयरलाइंस इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये एक इकोनॉमी के GDP में काफ़ी अच्छे शेयर से कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। अगर एयरलाइन इंडस्ट्रीज में फॉल आता है, सो एक ग्लोबल रिसेशन आने का जो पॉइंट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो दोस्तों ये एक मेरा छोटा सा एफर्ट था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा सकूं कि आखिर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए। हमें हमारा पर्सनल हेल्थ हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है, और यही IATA का भी कहना है कि अभी तक कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है इसके लिए। IATA कह रहा है कि एयरलाइंस बहुत सारे प्रिकॉशंस ले रही है, एयरपोर्ट्स बाकी सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आपको देनी है। मेरा यही कहना होगा आपसे कि अगर बहुत इम्पॉर्टेंट ना हो तो प्लीज़ आप ट्रैवल अवॉइड करें, क्योंकि आप शिप्स का ही केस देख लीजिए, जो जापान के पास में डायमंड प्रिंसेस शिप, क्रूज शिप था, हज़ारों लोग उस शिप में हैं। किसी को पता था कि उसके 2 पैसेंजर्स को कोरोना वायरस डिटेक्ट होगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा शिप क्वारंटीन कर लिया जाएगा। इटली में एक शिप जिसमें हज़ारों लोग थे, उसमें एक लेडी जो अभी चाइना से आई थी, वो कोरोना वायरस सस्पेक्टेड केस निकली तो पूरा का पूरा शिप को क्वारंटीन कर लिया। सो गाइस, आप प्लीज़ अपना हेल्थ हाइजीन मेंटेन करें। कोरोना वायरस बहुत एक बड़ा एक एपिडेमिक है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस इस पर स्प्रेड करें, और प्लीज़ नॉलेज मीडिया को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें ट्विटर, टेलीग्राम पर फॉलो करें। So thanks again for watching this video.